हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे अनार के पौधे की। अनार का पौधा बहुत अच्छा ऑप्शन है कंटेनर गार्डन्स के लिए। जैसे कि भारत में अनार एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फल है जिसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खेती की जाती है। यह मूल रूप से ईरान का पौधा है। अनार का पौधा जो है स्मॉल कैटेगरी के ट्रीज पेड़ों में आता है। इसे बहुत आराम से गमले में लगाया जा सकता है और टेरेस गार्डनर्स के लिए, प्लांट लवर्स के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है, क्योंकि इसकी केयर बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और इससे आप गमले में भी फल ले सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम इसे गमले में भी जो है इजीली फ्लावरिंग कर सकते हैं, फ्रूटिंग कर सकते हैं। एज दे आर इजी टू ग्रो, कूल विंटर्स और हॉट समर्स दोनों में मौसम में रह सकता है। सीड से लगाए हुए प्लांट में 5 से 6 साल बाद फ्रूटिंग लगती है। अगर आपको जल्दी फल चाहिए तो कटिंग से या फिर एयर लेयरिंग से लगाएँ। एयर लेयरिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कटिंग या फिर एयर लेयरिंग से लगाए हुए प्लांट में 1 साल बाद फ्रूट्स लग जाते हैं। अगर आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब में, जिसमें वो दिखाते हैं कि उन्होंने बीज से पौधा लगाया और उसमें फिर फ्रूटिंग दिखा देते हैं। बीज से जो पौधा लगाया जाता है अनार का, उसमें फल लगने में 5 से 6 साल लगते हैं। 1-2 साल में जो बीज से लगाया हुआ पौधा होता है उसमें फल नहीं लगते। मिट्टी की बात करते हैं तो लोमी सोयल चाहिए, मतलब ढीली मिट्टी चाहिए जो मिक्सचर हो कंपोस्ट का, गार्डन सोयल का, सैंड का और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, जिसमें जो पानी जो है निकासी बहुत अच्छी हो, इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। पीएच लेवल मिट्टी का बात करते हैं तो पीएच लेवल सोयल का जो है 5.5 से 7.2 होना चाहिए, जो नॉर्मल पौधों के लिए होता है, ज़्यादा एसिडिक मिट्टी ना हो। वाटरिंग की बात करें अगर हम, तो अनार के प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। कुछ समय तक खड़ा पानी रह सकता है, लेकिन वह मिट्टी जिसमें पानी की निकासी अच्छी हो वह बहुत अच्छी होती है। ज़्यादा पानी से पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पेड़ की पत्तियाँ जो है अनार के पौधे की पीली पत्ती क्यों हो रही हैं, क्योंकि हम ज़्यादा वाटरिंग करते हैं जैसे सीज़न बदल जाता है, लेकिन हम वाटरिंग का जो फ्रीक्वेंसी है सेम रखते हैं, उसकी वजह से पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं। अगर सही समय पर पानी कंट्रोल ना किया जाए तो पेड़ सूख सकता है। तो पीली पत्तियाँ पड़ती हैं तो उसका ध्यान दीजिए, इसका मतलब आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। सनलाइट की बात करते हैं, अगर सनलाइट, फुल सनलाइट चाहिए, मिनिमम 6 घंटे की सनलाइट देनी ही देनी है। अगर टेम्परेचर सर्दियों में 4 डिग्री से नीचे जाए तो इसे शेडेड एरिया में रखें, पाले से बचाएं, पाला नहीं पड़ना चाहिए उसके ऊपर, धूप भी मिलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसको छाया में रख दिया, वहाँ धूप ही नहीं आ रही है, उसको सिर्फ पाले से बचाना है, धूप मिलनी चाहिए। प्रूनिंग, अगर हम बात करें छटाई की, सर्दियों के अंत में जब ठंड का खतरा ख़त्म हो जाए तब शाखाएं नई आती हैं, उस समय हमें कटिंग कर लेनी चाहिए। जैसा कि हम गमले में प्लांट को लगाया है, प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। कटिंग करने से जो है पौधा अच्छा लगता है देखने में और ज़्यादा उसकी शाखाएं इधर उधर नहीं फैलती। फर्टिलाइज़र की खाद की बात करते हैं, अगर हम, नाइट्रोजन जो है बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए, यह सभी पौधों को चाहिए, अनार को भी चाहिए होती है, उससे उसके पत्ते और जो फूलों की जो प्रोडक्शन है उसमें हेल्प मिलती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, 2 सेकंड लगेंगे, एंड शेयर कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं खाद की, जो बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। अनार के लिए एप्सम सॉल्ट बहुत अच्छा होता है। एप्सम सॉल्ट के ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एप्सम सॉल्ट हेल्प करता है जड़ों को ज़्यादा ज़्यादा न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करने में। लाइफ स्पैन कितना होता है अनार का? अनार का जो पेड़ होता है उसकी उम्र 12 से 15 साल तक की होती है। और फ्रूटिंग की अगर हम बात करें तो फ्रूटिंग जो है 3 सीज़न में अनार के पौधे के ऊपर फूल लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके जो पौधा है उसकी हेल्थ क्या है। जो 3 सीज़न है फल लगने के, पहला है जनवरी से फरवरी के बीच में, जिसको बोलते हैं अंबे बहार। दूसरा है जून टू जुलाई, जिसे कहते हैं मृग बहार। तीसरा है सितंबर टू अक्टूबर, जिसे कहते हैं हस्ता बहार। तो ये 3 बहार आती हैं जिसके अंदर फ्लावरिंग आती है पौधे पे, और जिस सीज़न में भी आपके पौधे पे फूल लगेंगे उसके 5 से 7 मंथ बाद ही फल तैयार होगा। अनार का फल पकने में 5 से 7 महीने लगते हैं। जल्दीबाजी ना करें तोड़ने में, वरना मेहनत ख़राब हो जाएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो फल है तैयार हो गया है? जो फल का रंग है पीला लाल हो जाएगा और वो साइड से थोड़ा सा दब जाएगा, सप्रेस्ड हो जाएगा, अगर पिचका हुआ है तो उसका मतलब फल तैयार हो गया है। बेनिफिट क्या होते हैं अनार के और अनार के फल के और उसके पत्तियों के? अगर हम पहले बात करें पत्तियों के भी फायदे हैं। अगर आपके पेट की समस्या है या आपको फैट कम करना है या आपको रात को नींद सही से नहीं आती, तो रोज़ रात को अनार की 5-6 पत्तियों को धोकर उबाल लें और छान कर उस पानी को पी लें। आपके पेट की समस्या ख़त्म हो जाएगी और नींद भी बहुत अच्छी आएगी।
अब अनार के फल की बात करते हैं। अनार के फल की बात करें तो 100 ग्राम अनार में 14 ग्राम शुगर होता है, लेकिन घबराए नहीं, इसके साथ में 100 ग्राम अनार के अंदर 7 ग्राम फाइबर, 3 ग्राम प्रोटीन और 30% हमारे शरीर की ज़रूरत का विटामिन सी भी होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अब हम दोबारा मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।